ओके सो मैं ले आया कावासाकी, लेकिन गैसकेट अभी है नहीं। क्या बढ़िया मैप बना रखे लोगों ने। देखो हम यहाँ से आए हैं, ठीक है क्या कैमरा ऑन है? मेरा कैमरा ऑन है। अरे ऑन करो बिंदास। और वो दोनों ले ले मेरे को। ये तो देख रहे हो, ये लाइनिंग ब्लॉक बना तो क्या? हाँ लिखा हुआ है। Best of me now, best of me now, best of me. ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। अभी ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैंने सोच ही नहीं थी इतनी गर्मी हो जाएगी यहाँ पे आते आते। ओके सो फाइनली मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ मेनली। यहाँ से चेकआउट कर दिया क्योंकि हम 3 थे, इसलिए हमने यहाँ पर होटल लिया था, होटल गाज़ेबो, ठीक है। ब्लू हेवन है, अच्छा होटल है, ओके ओके है, ठीक है। हम 3 जनों का स्टे अच्छा हो गया। अब मैं जा रहा हूँ कहाँ पे? मैं जा रहा हूँ कावासाकी जयपुर, क्योंकि मेरे को जो है ये जो एग्जॉस्ट है ना, इसकी गैसकेट दी है, ठीक है। तो आई एम ऑल सेट, कावासाकी का बस लगा दूँ मैप। तो गर्मी बहुत है तो ये हटा दूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा ओवरहीट मार जाएगा। अभी तो ट्रैफिक भी हो गया होगा वैसे तो, 11 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। कोई नहीं, वहाँ पे जाके तो रेस्ट ही करना है अगर काम होना स्टार्ट हुआ तो। बाकी बता ही दिया था मैंने क्या क्या होना है बाइक पे कल। लेट्स गो। ये टैंक बैग मेरा बहुत पहले से चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अब जल्दी लगाता हूँ मैं उधर, नहीं तो ट्रैफिक और वो बढ़ता जाएगा गर्मी। हाँ मैंने न्यू गोप्रो का सेटअप लगाया है थोड़ा रील्स वील्स बनाने के लिए, तो थोड़ा सेटअप आपको ऊपर दिख रहा होगा। ओके सो अभी कावासाकी से फ़ोन आया है मेरे को। उनके कहने का मतलब यहाँ पे तात्पर्य ये है कि मेरे को जो है गैसकेट नहीं मिलेगी। गैसकेट एक्चुअली वो कह रहे हैं कि ऑन ऑर्डर आती है, तो अब पॉइंट ये है कि मेरे को इस पूरी राइड में हीटिंग इशू झेलना पड़ेगा। चलो वो तो झेल लेंगे, समझ लेंगे, थोड़ा मतलब इतनी महंगी बाइक चला रहे तो यही होगा, ठीक है। तो अगर गैसकेट नहीं तो अब दूसरा मामला यहाँ पे ये है, सिंपली जो है अपना क्या हैंडल चेक करवाना है, हैंडल ओके है कि नहीं। बाकी देख लेंगे, और कोई अगर काम होगा निकलेगा, चेन ल्यूब करवानी है तो वो भी करवा लेंगे। और DID की चेन है तो डलवा लूँगा मैं रिस्क नहीं लूँगा। अरे काफ़ी सिटीज अब तो एक्सप्लोर कर ली है, उदयपुर कर ली है, जोधपुर कर ली है, उसके बाद जो है अपने जैसलमेर हो गई, अजमेर हो गया, काफ़ी कर लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलप मुझे जो है, यार मैं गलत मुड़ गया, सबसे ज़्यादा डेवलप मुझे जयपुर लगा। मतलब थोड़े यहाँ पे रूल्स भी फॉलो होते हैं अच्छी तरीके से, मैंने फॉलो नहीं करा यहाँ पे, कोई बात नहीं, वो बीच में बैरिकेडिंग थी इसलिए, ठीक है। तो या काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। जयपुर इज़ द नाइस सिटी एंड क्लीनेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान, आई मस्ट से। क्लीनेस्ट मतलब रोड वोड वाइज बनी हुई अच्छी ना। ओके सो हियर इज द कावासाकी सर्विस। अरे यार S2 चढ़ा दिया रहे इसी जगह पर। ओके सो मैं ले आया कावासाकी, लेकिन गैसकेट अभी है नहीं, और भैया एज पर भैया इसका कॉन्सर्ट गया। तो दो चीज़ें मेन हैं जो कि ऑन ऑर्डर आएंगी, तो बेटर वही है मैं दिल्ली से करवाऊँ उसे। तो ये चीज़ है, अभी एक चूचों की आवाज़ आ रही थी वो चेक कर रहे हैं, और बेस्ट करके देते हैं जिससे ये राइड तो कम्प्लीट करे, उसके बाद चीज़ें चेंज होगी सारी इस पर। ओके सो ये इंजन माउंटिंग का एक बोल्ट है इधर, कांगा कांगा कांगा, अभी तो दिखा था कांगा, ये वाला इस साइड ये दिख नहीं रहा हूँ। इंजन माउंटिंग का बोल्ट ये वाला जो अभी हमने अंदर करा है, ये वाला अभी पुश करके रखना है। हाँ ठीक है, ठीक है। ये जो है ढीला था, ये चेन को लग रहा था, तो अच्छी बात है सही समय में ले आया मैं। और ये सारा चेन का मामला भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है। ओके सो अब ऑल सेट फॉर जोधपुर। अब जाए रहे तो सीधा जोधपुर जाए। मैं पहन तो लिया है चश्मा, इसलिए पहना क्योंकि कई बार ना वाइज़र खोलना पड़ता है और मेरी आँखें ना आजकल झेल नहीं पाती बिल्कुल भी ना विंड। ओके
इसको नीचे लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ी बहुत चेन पे टाइट कर दी है, तो चेन टाइट करने की वजह से एक फायदा हो गया कि ना स्मूथ हो गई भाई। अरे बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। अरे नीचे से जाना था बुरबक, कोई नहीं ऊपर का रास्ता बता दे। अब ये थ्रॉटल खोलते, अब मेरे को जगह से एक जगह से लेना है मॉड्यूल का सामान, बस आई एम ऑसम टू गो देन। ल्यूप मारना है एक बार टायर पे, क्योंकि वो ही हो गया ना, क्या बोलते हैं 300 किलोमीटर तो पार ही हो गया ऑलमोस्ट। ओके सो यह आ गए हैं हम मेन हाईवे पे। अब थोड़ी सी आगे जाके हो सकता है मैं रुकूं फॉर कोल्ड कॉफ़ी ब्रेक, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी ज़रूरी है यार, दिमाग नहीं चल रहा। बाइक तो बिल्कुल ऑसम हो गई है, मतलब चलने लायक हो गई है। दिल्ली जाके देखो, मैंने इंस्टा पे डाला था रोड टू लद्दाख। देखो मेरा प्लान है, मैंने जैसे कि बताया उसको लद्दाख लेके जाने का, तो जैसे ही लद्दाख के लिए लेके जाऊंगा तो मेरे को ये बाइक चाहिए बिल्कुल परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि एक भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छे अच्छों की बाइक का तेल निकल जाता। मतलब मैं आधा रूट करके आया हूँ मनाली से आगे, थोड़ा सा करके आया हूँ, तो मेरे को पता है दैट रूट इज़ जस्ट जिसे कहते हैं ना कातिल, कि एडवेंचर में मैं इतना मज़ा करके आया था, तो वही सेम थिंकिंग है, इस पर भी उतना ही मज़ा करके आना है। तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। अब देखो हायाबुसा वगैरह चली गई, ये तो पीस ऑफ केक है, मतलब बहुत ईजी है, लेकिन स्टिल एक होता है ना अंदर से डर होता है। मैं एक भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता उस राइड पे। भाई वेकिंग यहाँ पे तो मैं पहले रुका हूँ, तो यहीं पे बैठ जाते भाई, अच्छे चैन से बैठना है थोड़ी देर, हवा अच्छी चल रही है। देखो ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है, बट ठीक है, नॉर्मल है, चल रही है हवा, बहुत प्यारी चल रही है बाहर। और मेरा जहाँ पे मसा तो शॉर्ट मैंने काटा था वो भी थोड़ा थोड़ा हील कर रहा है। मज़ा आता है यार, सोलो राइड का यही मज़ा है, यो तुम्हें अपनी मर्जी के मालिक हो, मज़ा आ रहा है। इसको ख़त्म कर दो, क्या बढ़िया मैप बना रखा है लोगों ने। देखो हम यहाँ से आए हैं, ठीक है, यहाँ से आए हैं, जयपुर से निकले हैं, अब आएगा अजमेर, अजमेर के बाद पाली से थोड़ा सा निकल के बन जाइए जोधपुर, फाइनल डेस्टिनेशन है यहाँ से ये, यहाँ से ये से फेरी, ये फिर यहाँ से निकलते बीकानेर से इस साइड जाना पड़ेगा, नहीं हाँ ये ऊपर जाना पड़ेगा सरसा से वहाँ पे इस साइड। तो ये आइटनरी मैंने एक ही में बता दिया। यहाँ से दिखा रहा है जोधपुर 262 किलोमीटर, ठीक है, दिल्ली 333, पता नहीं सही है या नहीं, आई डोंट नो, मुंबई 11, देखते कैसे पहुँचते। अजमेर के लिए 33 किलोमीटर, उदयपुर और अहमदाबाद के लिए लेफ्ट, फिर मैप देख लेता हूँ कहीं पर गलत चला जाऊँ। चार घंटे बोल रहा है, 255 किलोमीटर लेफ्ट। लॉट ऑफ पीपल आस्क अस कि क्यों राइड करते हो इतनी दूर, गाड़ी पे जाओ मजा आएगा, इसलिए राइड करते हो इतनी दूर। Damn, look at this, यार। Woo! I love this fucking bike. एक छोटी सी बात बोलता हूँ, पता नहीं ये सही है नहीं, ये मेरी फिलॉसफी है, फेयर फॉक्स यू। ऑल्दो अभी फ्यूल है, मान के चलो अभी 125 की रेंज दिखा रहा है, मतलब 150 चली जाएगी, लेकिन फिर भी मैं भरवा रहा हूँ, बिकॉज मैं ओपन थ्रॉटल ओपन कर रहा हूँ तो फ्यूल ज़्यादा लगता है। ठीक है, मैंने लिटरली यहाँ पर ना पानी डाला है,
ओए जल गया था एरिया का हमने यार, जल गया। अरे 1000 का बिल निकालना हमें। ओके सो आईफोन चार्जिंग पर लगाना पड़ेगा बिकॉज सारी मेन कॉल्स वगैरह ना मैं आईफोन में रखता हूँ, पापा वाले फ़ोन में कुछ ऐसा खास नहीं है। बस इसको मैपिंग और उसके लिए रख लेता मैंने, इस पर गाने लगा देते हैं। तो इसको आईफोन को सी टाइप है एक्चुअली। मैं पता क्या बात है, मैं माई USB वाला भी लगा सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, बट मेरा मन नहीं करता कि ना इसको ना नकली चार्जर से ना, यार मेहनत से लिया है। इसके एक स्टोरी भी है, मतलब पापा ने दिलवाया था मेरे को, एक किस्सा है वो मैं कभी सुनाऊंगा या नहीं मेरे को नहीं पता, बट हाँ बहुत इमोशनल किस्सा है वो मेरी लाइफ का, कि मेरे पापा ने मेरे को आईफोन के लिए कैसे, जैसे कहते हैं ना EMI मैंने दी, डाउन पेमेंट कैसे दी थी, तो मेरे वो दिल के बहुत पास है, इसलिए मैंने आईफोन अभी तक बेचा नहीं है वाला। और ये वाला आईफोन कल गिरा फोटो में, मेरी हालत ख़राब हो गई, और मैं जिसे कहते हैं ना इसको बहुत संभाल के रखना चाहता हूँ इस आईफोन को ना, इसलिए आपने देखा होगा मैं कहीं पे भी लगाता ही नहीं हूँ इसको। थोड़ा सितंबर से पहले केयरलेस यूज़ कर लेता था, अब नहीं, और इसको मैं बेचने नहीं वाला कभी भी। नया ले लेंगे, पैसा जोड़ के इसको रखेंगे, या तो मम्मी को दे देंगे ताकि संभल के रहे, बेचूंगा नहीं इस आईफोन को। पुर के लिए लेफ्ट, ठीक है यही वाला था ना, हाँ ठीक है। आहा कवी रोड, एक ज़रा छोटा सा कव हो जाए, फील आ जाए। व्हाट्स द टाइम, हाँ जी भाई जी, हैं ऑसम। फिर कैसा रहा व्यावर में आ रहा? अभी तो एंटर कर रहे हैं, घूमे नहीं बस। क्या कैमरा ऑन है? नहीं मैं, मेरा कैमरा। अरे ऑन करो बिंदास, सौरभ जोशी हूँ मैं, करो करो। एरोगेंट टू मैं एरोगेंट। हाँ हाय, वो अभी आई थिंक जा रहे हैं जोधपुर। यस, जस्ट अभी स्टोरी चेक करी। हाथ हाँ बहुत ठंडा पानी है, अरे बहुत ठंडा। अच्छा ऐसे है क्या, कैमरा बंद है? चालू है, चालू है, ब्लिंक मार रहा है वो, दिख गया। कितना अच्छा लगा, एक्सपोज वेक्सपोज तो नहीं होगा वहाँ कर दो यार। मैंने इसको एक ही बात बोली है, एवरी टाइप ऑफ पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी। NDTV मोदी जी को बुरा कहता है, आज तक मोदी जी को सही कहता है, दोनों से मोदी जी का फायदा। तो भाई क्या रोड है यहाँ पे, तो स्नैप बनती है भैया। सोजस, ओके मैं अभी सोजस में हूँ। यहाँ पे मेरे को पता चला कि दुनिया में जितनी मेहंदियाँ आप लोग देखते हो या लगवाते हो या लगाते हो, वो यहाँ पे बनती है। नाइस, देखो इस राइड का मेन मकसद मेरा जो है एक्सप्लोर नहीं है, मेन मकसद इसको राइड करने का, बिकॉज आई लव द वे दिस बाइक रिएक्ट टू माई राइडिंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बोले तो स्टाइल बोले, ठीक है, उस चीज़ को ये बहुत अच्छे से निभाती है, दैट्स व्हाई आई लव राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। और लास्ट टाइम भी मैंने जब गया था, मैं अच्छी रोड्स पे इसको नहीं चला पाया था, मतलब ठीक है पहाड़ों पे बहुत चलाई थी, लेकिन जो एक होता ना हाईवे, जब से S2 चलाई थी ना मैंने हाईवे पे, तब से मैं सोचता था यार लेके जानी अपनी 300 भी। तो या अभी मैं उस पर उसी राइड पे हूँ, एंड आई एम एंजॉइंग अलॉट। ओके सो यहाँ से सीधा जाऊँ तो पाली आ जाएगा, लेकिन मैं नीचे से जाना है और राइट मुड़ना है, यहाँ से जोधपुर एक्सप्रेस वे आ जाएगा। अभी भी मेरे मुँह से ना जबलपुर निकल रहा है, ज़्यादा नहीं रह गया अब, आई थिंक ज़्यादा नहीं है, मतलब कर लूँगा।
ऑल दो सिर्फ 11 किलोमीटर रह गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि चेन पूरी सूख गई है, मेरे को मॉड्यूल का वो कहीं नहीं मिला, तो बेटर यही है मैं ल्यूब तो मार दूँ, इंडिकेटर भी लगाने पड़ेंगे फिर से। वो ल्यूब रही है, WD-40 है, अभी यही मार देते हैं, थोड़ा तो काम चले। वही है ना, चेन कॉन्टीन्यूसली चल रही है, प्रॉब्लम तो आएगी, मिट्टी उड़ रही है इतनी सारी मिट्टी, तो हेलमेट ही जम गई है, ये तो फिर भी चल रही है। और वो दोनों ले रहे मेरे को, ये तो देख रहे हो ये लाइनिंग, ये इसकी सच्चाई है कि चेन सूखी है। कावासाकी वाले बोल रहे थे कि करवा लो, बट मेरे को वर्थ नहीं लगवाना। ओके सो फाइनली आई एंटर्ड इन जोधपुर ऑलमोस्ट। यार कैसे होते हैं, मतलब चू वाली गाली जो गाली लगाने लगा लो। और ये आई थिंक कैंट एरिया है यहाँ का, मैं पहले यहाँ पे घूम चुका हूँ। ल्यूब मारी, बिल्कुल खड़खड़ बंद हो गई, बिल्कुल लॉक बना दो क्या? हाँ लिखा हुआ है, आगे लिखा है। मेरे को ये बताओ यहाँ पे बाइक मार्केट का है, बाइक क्या कराना आपको? ल्यूब लेनी है, ल्यूब लेनी है, क्लीन चेन क्लीनर और ल्यूब। ये देखो आप यहाँ पे तो आपके ना बबलू मोटर, बॉम्बे मोटर, उस पे सब मिल जाएगा, मेन मार्केट यहाँ का वही है। चलो ओके, मेरा होटल यहाँ से राइट जाके सीधा, लेकिन यहाँ पे बॉम्बे मोटर ये दिखा रहा है कितनी दूर है, 4 किलोमीटर। छोटा है देखो। ओके भैया पे तो दोनों मिल गए, तो 11 में फिर फट गई है। ठीक है ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। ये तो मिल गया, मैं मिलता हूँ आपसे सीधा होटल में। इतनी तगड़ी नॉस्टैल्जिया फील आ रही है ना मेरे को कि लिटरली आई कॉन्ट टेल यू, बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। यही से मैंने मिठाई ली थी, पापा से पूछा था पापा जोधपुर से मैं क्या लाऊँ, फिर हम पिज्ज़ा हट से वो लाए थे, कुछ लाए थे और इसी होटल में रुके थे। मैंने इनको बोला इसी होटल में रुकना, बिकॉज खाना वगैरह सब अच्छा था। ठीक है, और यहाँ पे हम पहुँच गए फाइनली। ओके सो ये कुछ हमारा यहाँ का रूम है, देखो मैं तो नीचे सोऊंगा, मैं खुश था उसमें। ठीक है, हीरा में तोन बाहर आ गई है और वॉशरूम तो ठीक है बड़ा है। ये दोनों गए एक्सप्लोर करने, मैं अभी जस्ट आया हूँ, हालत बुरी है, फेस वॉश करना है, नहाना ही है, नहाना है। ये इतने गंदे बारे में पूछते हैं जा रहा वही पागल है देख लिया ना नहीं हाँ अभी इसको फेंकता हूँ मैं देखो क्या बोल रहा है सब कह रहा मेरे को फेंकेगा वो तुम्हारा आपसी मैटर मेरा यहाँ पे ना तहे दिल से दिल टूट गया है क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल है एंड आई मिस्ड इट भाई हॉस्टल योर शिट मैंने चेक ही नहीं करा जोधपुर में घुल के क्योंकि लास्ट टाइम तो नहीं था तो अभी मैं अंदर जा रहे हैं इसको कॉमन रूम दिखा दो क्योंकि इसको सबसे पहले ठहरवाना है उधर